दोस्तों आज तक आपने क्रिकेट तो बहुत खेला होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं बैट के ऊपर लगने वाली रबड़ की छोटी सी ग्रिप बनाने के पीछे कितनी ज्यादा मेहनत और प्रोसेस लगती है? जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। ग्रिप बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे सबसे पहले रबर लिया गया है, जो आता है केरल से और इसको आर्म या वेनिस बोला जाता है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रबर होता है और अभी इस रबर को क्रश किया जा रहा है क्रश मशीन के अंदर और इस रबर को छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट किया जाएगा। आप देख सकते हैं रबर हमारा छोटे छोटे पीस के अंदर कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर रबर के टुकड़ों का वेट करने के बाद भैया इसको डाल रहे हैं इस मशीन के अंदर और इसको यहाँ पर प्रोसेस इसलिए किया जा रहा है ताकि ये रबर आराम से मुलायम हो जाए और इसके अंदर जो भी केमिकल मिलाए वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ये जो आप व्हाइट पाउडर देख रहे हैं ये एक्चुअल में कैल्शियम, जिंक एसिड, सल्फर और इसी तरीके के बहुत केमिकलों से मिलाकर बनाया गया है और इसके साथ साथ बीच में ऑयल डाला जा रहा है। ऑयल इसलिए डाला जा रहा है कि ये रबर आसानी से मिक्स हो जाए, इसके आसानी से सीट बनाया जा सके। इस मशीन पर काफी देर प्रोसेस करने के बाद फाइनली ये सीट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बीच बीच में इसको चीरे भी लगाए जा रहे हैं ताकि सीट आसानी से बन सके। अब आप देख सकते हैं फाइनली हमारी सीट बननी शुरू हो गई है, काफी अच्छी क्वालिटी की सीट बन रही है और यहाँ पर हम ब्लैक कलर की सीट बना रहे हैं। अब ये सीट जा रही है आगे के प्रोसेस में। तैयार सीट को अब डाला जा रहा है कैलेंडर मशीन के अंदर और यहाँ पर जो हमारी सीट की मोटाई थी वो यहाँ पर बिल्कुल कम हो जाएगी और यहाँ पर बहुत सारी पतली पतली सीटों में कन्वर्ट हो जाएगी। कैलेंडर मशीन के अंदर एक बार में 3 से 4 किलो मटेरियल डाला जाता है। आप देख सकते हैं काफी पतली पतली सीटें हमारे यहाँ पर बाहर निकल के आ रही है और बीच बीच में भैया ये जो केमिकल यूज कर रहे हैं, पाउडर यूज कर रहे हैं, इसको जिंक एसिड बोला जाता है। ये इसलिए यूज किया जाता है ताकि दो सीटें आपस में बिल्कुल चिपके नहीं और ये हमारी सीटें बनकर तैयार हो गई है। अब तैयार सीटों को कैंची की मदद से छोटे छोटे पीस के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। सारी सीटों को इसी तरीके से लंबाई में काट लिया जाएगा। इसको इसलिए काटा जा रहा है ताकि आगे जब ये प्रोसेस के लिए जाएगी तो रोल के ऊपर इनको आसानी से लपेटा जा सके। ग्रिप बहुत सारे कलर में बनाई जाती है। यहाँ पर हम ब्लैक की जगह अब आप देख सकते हैं हल्का ग्रीन कलर यूज कर रहे हैं और अब ये जो रोल है ये जाएंगे आगे हाइड्रोलिक मशीन में। ये है हमारी हाइड्रोलिक मशीन और हाइड्रोलिक मशीन के अंदर रोल को अंदर रखा जा रहा है। जिन रोल के ऊपर हमने ये रबर लपेटा था, रबर की जो सीट लपेटी थी, हाइड्रोलिक मशीन के अंदर एक्चुअल में 6 हीटर लगे होते हैं और यही 6 हीटर प्रेशर के साथ यहाँ पर अपने जो ग्रिप है उसको बनाने का काम करेगी। ये हाइड्रोलिक मशीन पूरी ऑयल से ऑपरेट होती है और इसके नीचे आप देख सकते हैं पंप लगा होता है और उसी पंप की मदद से इस हाइड्रोलिक मशीन के अंदर दाब लगता है। फाइनली हाइड्रोलिक मशीन में अच्छे से प्रेस होने के बाद यहाँ पर ग्रिप को बाहर निकाला जा रहा है। ग्रिप के ऊपर जो भी रबर का एक्स्ट्रा पार्ट रह गया था उसको यहाँ से कैंची की मदद से अलग किया जा रहा है, फिर हमारी ग्रिप रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर हमने जो आयरन रोड के ऊपर रबर चढ़ाया था वो अब प्रॉपर ग्रिप के अंदर कन्वर्ट हो गया है और अब आयरन रोड से ग्रिप को नीचे उतारा जा रहा है। सभी मशीनों का यहाँ पर काम पूरा हो चुका है। ग्रिप हमारी प्रॉपर बनकर रेडी हो गई है, आगे जाएगी ये पैकिंग के लिए। पैकिंग से पहले रबर का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट रह गया था उसको कैंची की मदद से अलग किया जा रहा है। इसके बाद बड़े पैकिंग में पैक करके इसको सेल कर दिया जाएगा मार्केट में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए।